बैतूल में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सूर्यपुत्री जीवनदायिनी मां ताप्ती की चुनरी पदयात्रा बैतूल से खेड़ी ताप्ती घाट तक निकाली गई। इसके साथ ही मां ताप्ती को 111 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। बता दें कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कांग्रेस नेता निलय डागा और उनकी धर्म पत्नी दीपाली डागा ने नेतृत्व में ये चुनरी पदयात्रा निकाली गई। वहीं इस चुनरी पदयात्रा के माध्यम से जिले के किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने और जिले की खुशहाली की मन्नत मांगी गई। सबसे पहले तो सबको कार्तिक पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। ये यात्रा पिछले 6 साल से निकाली जा रही है और ये 7वां साल है, और आज जिस तरह का मौसम बदला है और अमृत वर्षा हुआ है तो किसानों की खुशहाली, सुख समृद्धि, खुशहाली के लिए ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। जिलेवासियों के सुख शांति समृद्धि के लिए ये यात्रा निकाली जाती है, और जैसा खेती किसानी का समय चल रहा है और कल रात से 3 बजे से बारिश गिर रही है, तो वाकई में किसानों के लिए अमृत बरसा है। माँ ताप्ती का आशीर्वाद हम सबको मिला है आज। आप सब लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।